ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता, तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। जंग तकरीबन फतेह हो चुकी है भाईजान। वैसे मुराद, जिस तरह से आप इस जंग में लड़े, वाकई काबिले तारीफ है। आपकी पहली जंग है और आप तजुर्बेकार भी नहीं है, फिर भी जिस तरह से लड़े, माशाल्लाह, वाह। तारीफ के लिए शुक्रिया। आदाब शाहशाह, आदाब शहजादे साहिबान। शाह अब्दुल्ला खान को गिरफ्तार कर लिया गया है और बहुत जल्द ही उसे शहनशाह के सामने पेश किया जाना है। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। मुबारक हो, आखिर हमने जंग फतेह कर ली। फतेह, फतेह, फतेह। रात, आपको पहली जंग बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी। शहंशाह युद्ध हम जीत चुके हैं। हमने बदख्शां के शाह को बंदी बना लिया है, कहें तो उन्हें आपके सामने पेश किया जाए। इनकी बेड़ियां खोल दी जाए, इनके बंधन खोल दिए जाएं। क्या हुआ, जंग फतेह करके भी डर गए आप? अगर खौफ होता तो आपको इस तरह आजाद नहीं करवाते, बल्कि बीजे वक्त आपका सर काट कर फेंक देते। अब हम चाहेंगे कि आप हमारी बात गौर से सुने। हमें आपकी जमीन, आपकी सल्तनत, आपसे लगान कुछ भी नहीं चाहिए। हम बस चाहते हैं कि शाहरान के खिलाफ मुहिम में आप हमारा साथ दें। और हम अगर ऐसा करने से इनकार कर दें तो? सब जानते हैं कि हमें अमन और चैन पसंद है, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो हमसे बेरहम और संदल कोई नहीं है इस दुनिया में। अब यहां तो आपके सामने दोस्ती और अमन का रास्ता है, या फिर मौत का। हम उम्मीद करेंगे कि आपका हर एक फैसला आपकी आवाम, आपकी सल्तनत के हक में हो, और बेहतर होगा कि फिलहाल आपका फैसला आपकी जान के हक में हो। आपको जवाब मिलेगा, लेकिन ऐसे नहीं दीवाने खास में, सबकी मौजूदगी में। जोधा बेगम, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई सलीमा बेगम।
अम्मी जान से हमें प्रश्न पूछने ही नहीं चाहिए थे। आप जानती हैं कि अम्मी जान, हम जानते हैं जोधा बेगम, ना केवल हम बल्कि पूरा महल जानता है, और हर शख्स की जुबान पर बस यही सवाल है। यदि आप जानती हैं तो बताइए, बताइए हमें कि हम क्या करें, कैसे इस मामले को समाप्त करें। यदि ये बात दीवाने खास में अम्मी जान ने करी तो घर की बात सबके सामने आ जाएगी, सभी लोगों को पता चल जाएगा कि शहंशाह की माँ और पत्नी के बीच में मतभेद है, और हम ये कदापि नहीं चाहेंगे सलीमा बेगम, बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। ये होना या ना होना आपके हाथ में नहीं है जोधा बेगम, और हमारी मानिए तो हमारी राय यही है कि जैसा हो रहा है उसे वैसे ही होने दीजिए। आपका ये सवाल करना वाजिब है, आप मलिकाए हिंद हैं, शहंशाह के गैर मौजूदगी में आपका फर्ज और हक बनता है सवाल उठाना, और अगर आप अपना फर्ज निभा रही हैं तो हमें नहीं लगता कि आप कुछ गलत कर रही हैं। परंतु दीवाने खास में, बिल्कुल जोधा बेगम, ना केवल आपके बल्कि बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल उठ रहा है, वो सब इस सवाल का जवाब अम्मी जान से जानना चाहते हैं, और मरियम मकानी को इसका जवाब देना होगा। आप मलिकाए हिंद हैं जोधा बेगम, क्योंकि शहंशाह यहाँ पर नहीं है, तो पूरे आवाम की, इस मुगल सल्तनत की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है जोधा बेगम। परंतु भरे दरबार में सबके सामने अम्मी जान से प्रश्न कैसे कर सकते हैं हम सलीमा बेगम? बड़ी आसानी से, बस भूल जाइए कि वो आपकी सास हैं, शहंशाह की अम्मी जान हैं। ये सोचिए कि आपके सामने जो इंसान खड़ा है वो इस सल्तनत का एक आम सा बाशिंदा है। परंतु ऐसा करने से हमारे और अम्मी जान के संबंधों में दूरियां नहीं आ जाएंगी? आएंगी जोधा बेगम, हम ये अच्छे से जानते हैं, लेकिन इंसाफ करने वाले को मुश्किलात का सामना करना पड़ता ही है जोधा बेगम, इसलिए मजबूत बनिए जोधा बेगम। आप मलिकाए हिंद हैं, आप इंसाफ के उस दोराहे पर खड़ी हैं, तो आपको इन मुश्किलात का खतरा उठाना पड़ेगा, और हम दुआ करते हैं खुदा से कि आप हमेशा यूं ही इंसाफ की राह पर बनी रहें। घबराइए मत जोधा बेगम, हम आपके साथ हैं। बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है होशियार, क्या कल जोधा बेगम दीवाने खास में मरियम मकानी के कहर से बच पाएंगी? कल किसका पलड़ा भारी होगा, मरियम उस जमानी का कि मरियम मकानी का? जोधा बेगम होशियार भी है और समझदार भी, वो कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लेंगी। ये बिन हड्डी की निगोड़ी जुबान एक दिन खाल खिंचवाएगी मेरी, काबू में ही नहीं रहती है। जाओ वहां से मिठाई की तश्तरी लेकर आओ। अब इसे खाओ। जी हुजूर, खाकसार आपकी तश्तरी से कैसे? हमने कहा खाओ। शाबाश होशियार, जानते हो हमने तुम्हें मिठाई खाने के लिए क्यों कहा? ताकि कभी कभार तुम अपने मुंह से कुछ मीठा भी बोल लिया करो जो हमें पसंद आए। हमारी किस्मत में यही है, आप कुछ सोचती हैं हमारी जुबान को छुट्टा हुआ है, आपको तमाचा ही मारना है ना, तो आप कह दीजिएगा, गाल हाजिर है। होशियार तुम्हारी यही अदा ना हमें बेहद पसंद है। तुम हमेशा हमारी मार खाने के लिए तैयार ही होते हो, लेकिन अब सिर्फ खुदा से दुआ करो कि कल दीवाने खास में जो भी हो वो हमारे हक में हो। दुआ करो कि कल जोधा बेगम ने जो ताज हमसे छीना था वो ताज कांटों का ताज बन जाए। दुआ करो कि कल दीवाने खास में जो भी हो उससे हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट आए।
और हाँ, एक और चीज की दुआ करना कि कल जोधा बेगम बात को संभाल लाने, क्योंकि अगर ऐसा हुआ ना तो अपना गाल तैयार रखना। पता है, हर हाल में आपकी ये ताली हमारे ही गाल पर पड़ेगी। क्या करें हम कान्हा, क्या निर्णय ले, कैसे अम्मी जान के विरुद्ध कोई सुनवाई करे। पहले ही वो हमसे रूठी हुई है, यदि हमने एक कदम उठाया तो वो और नाराज हो जाएंगे हमसे। एक और अम्मी जान के साथ हमारे संबंध, तो दूसरी ओर मलिका हिंद का कर्तव्य। क्या करें, कौन सा मार्ग अपनाएं हम कान्हा, क्या निर्णय लें। महाभारत में भी पांडवों के साथ ऐसे ही हुआ था ना कान्हा, उनके अपने ही असत्य का साथ दे रहे थे, तभी पांडवों को कौरवों के विरुद्ध युद्ध करना पड़ा था। न्याय और धर्म सबसे बड़ा होता है। यदि शहंशाह हमारे स्थान पर होते तो अवश्य न्याय का ही साथ देते। कई बार न्याय के सामने संबंधों का मोल नहीं होता है। बेटी को हो सके तो क्षमा करना अम्मी जान, पर हमें आपके विरुद्ध सुनवाई करनी ही होगी। हमारी भी परीक्षा की घड़ी होगी, परंतु आप हमारी और आगरा की बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा, हम सब कुछ संभाल लेंगे। हमें यही उम्मीद है आपसे। ये बहुत बड़ी गलती कर दी है जोधा बेगम ने। मरियम मक्कानी को और भी ज्यादा नाराज कर दिया उन्होंने। हाँ, अब तो मरियम मक्कानी से उनके रिश्ते सुधरने की उम्मीद भी खत्म हो गई है। पातशाही बेगम, आपकी क्या राय है? हमें लगता है कि बहुत जल्द मुगल सल्तनत में जोधा बेगम के दिन ढलने वाले हैं। आप गलत समझती हैं रुकैया बेगम। जोधा बेगम कोई दिन नहीं है जो ढल जाए, वो आफताब है जो हमेशा रोशन रहता है और दूसरों को रोशनी देता है। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। ओ
होशियार, मलिका हिंद जोधा बेगम तशरीफ ला रही हैं। अब मलिका हिंद पर मुश्किलात का सैलाब टूटने वाला है। होशियार, मरियम मकानी, हमीदा बेगम पधार रही हैं। मलिका हिंद, अगर आपकी आज्ञा हो तो आज की कार्यवाही शुरू की जाए। बेगम साहिबा, मरियम मकानी ने फरियाद की है कि उन्हें दीवाने खास में कुछ कहना है। आज्ञा है। यहाँ मौजूद तमाम खवातीनों हाजरात को हमारा सलाम कबूल हो। इस तख्त पर कभी हमारे ससुर शाह बाबर बैठा करते थे। इसी तख्त पे बैठकर जन्नत आशियानी हुमायूं साहब ने हुकूमत की और इसी तख्त से हमारे बेटे जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाहत चला रहे हैं। इस मुगल सल्तनत में हमारे लिए इस तख्त से ज्यादा पाक और कुछ नहीं है, और इसी तख्त को हाजिर नाजिर रखकर हम उन सवालों के जवाब देना चाहते हैं जो मलिका हिंद ने हमसे किए। सिर्फ उनके ही नहीं, कईयों के दिमाग में ये सवाल उठ रहे होंगे। जब शहनशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर शाह ईरान से जंग कर रहे हैं तो क्यों हम उनके एलचियों से मिलने गए? क्यों हमने शाह ईरान को ये जंग रोकने के बाबत खत लिखा? और इसीलिए हम बता देना चाहते हैं कि हमने ऐसा क्यों किया। हमने ऐसा किया क्योंकि हम वाकई इस जंग को खत्म कर देना चाहते हैं, क्योंकि इस जंग में ना सिर्फ सैकड़ों हजारों मासूमों की जान जाएगी बल्कि शाह ईरान के साथ हमारे बरसों के रिश्ते भी खत्म हो जाएंगे। हम उस जंग को रोकना चाहते हैं जिस जंग को मरियम उस जमानी बहुत पहले रोक सकती थी। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया क्योंकि ऐन वक्त पर आपने अपना मजहब बदलने से इनकार कर दिया। हम वो कोशिश कर रहे हैं मलिका हिंद जो आपको करनी चाहिए थी। इस जंग को रोकने की कोशिश, शहनशाह शाह ईरान को अपना दुश्मन मानते हैं आपकी वजह से, लेकिन हम उन्हें अपना मददगार मानते हैं क्योंकि जरूरत पड़ने पर उन्होंने हमारी और मुगल सल्तनत की मदद की। अगर एहसान मंद होना गुनाह है, अगर रिश्तों को निभाना गुनाह है, तो हाँ हमसे गुनाह हुआ है। अगर अपनी आवाम की, अपने कुनबे की फिक्र करना गलत है तो हम गुनहगार हैं। दीजिए हमें सजा मलिका हिंद। आपको अब मुकर्रर करना है कि हमारी सजा क्या है। बोलिए मलिका हिंद, क्या फैसला है आपका? आपने हमसे सवाल किया था और हमने सबके बीच आपको जवाब दिया है। अगर हम गलत हैं, तो सजा तजवीज कीजिए हमारे लिए मलिका हिंद। अम्मी जान, आप रुक जाइए मलिका हिंद। मरियम मकानी होने के नाते हमें जो सही लगा वो हमने किया, लेकिन आप बताइए मरियम उस जमानी होने के नाते आपने क्या किया अपनी सल्तनत के लिए? बताइए क्या किया आपने अपनी आवाम के लिए? आपकी जिद के आगे क्या उन सिपाहियों की जान की कोई कदर नहीं? वो भी किसी के वालिद हैं, किसी के बेटे हैं, किसी के शौहर हैं। आपके लिए उनकी कोई कीमत नहीं है। आप इस जंग को रोक सकती थी लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, क्यों? क्या इस सवाल का जवाब है आपके पास? आप क्या हमें जवाब देंगी? आप तो सलीम को भी सजा मिलते हुए देखती रही, आप जवाब नहीं दे सकती। हजारों सिपाही बेवजह आपकी वजह से मारे जाएंगे जोधा बेगम, आपकी वजह से। आवाम भुगतेगी आपकी वजह से ये सजा। तो हमें भी सजा भुगतने दीजिए, दीजिए हमें सजा, दीजिए मलिका हिंद हमें सजा दीजिए।
हमीदा। कोई अकीबा साहिबा को बुलाओ। हमीदा आके खोल के